हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ अपने किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए पंजाबी ढाबा स्टाइल टमाटर प्याज की चटनी बनाऊंगी। तो देर ना करते हुए चलिए देख लेते हैं इस चटनी को बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, हमने दो टमाटर ले लिया है, दो प्याज ले ली है, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, एक हरी मिर्च को मैंने कट करके ले लिया है, थोड़ी सी धनिया पत्ती ले ली है। चलिए हम चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने टमाटरों को पकने के लिए तवे पे रख दिया है। देखिए इस तरीके से आप तवा रख दीजिए, तवा गर्म हो जाए तो टमाटर डाल दीजिए, उलट पलट कर इसको भून लीजिए। इससे आपकी गैस भी नहीं ख़राब होगी और टमाटर भी अच्छी तरीके से पक जाएंगे। वैसे क्या होता है कि हम अगर डायरेक्ट गैस पे टमाटर रख के पकाते हैं तो इसका पानी जो है वो बर्नल में घुस जाता है, जिससे हमारी गैस ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम इस तरीके से तवे पे इसको पकाएंगे। चलिए ढक देते हैं, ये पक जाए, फिर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारे पक गए हैं। अब हम इसके ऊपर से ये स्किन निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से आप स्किन को हटा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने टमाटरों को छील लिया है। तो चलिए हम चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक बड़ा बोल ले लिया है, इसमें इन टमाटरों को डाल लेंगे इस तरीके से। हाथ से स्पून से इसको खूब अच्छी तरीके से फोड़ दीजिए। देखिए इस तरीके से फोड़ लीजिए। और ये देखिए, फोड़ने के बाद आपको ये बीच का भाग मिलेगा, इसे आप निकाल दीजिए। हमने दो टमाटर यूज़ किया था। देखिए ये दो टुकड़े हैं जो बीच के हैं, ये टाइट हैं, इसको हम निकाल देंगे। अब मैंने जो दो प्याज ली थी उसको इसमें ऐड करेंगे, मिला लेंगे। देखिए हमने टमाटर प्याज को मिला लिया है। अब इसमें हम काला नमक ऐड करेंगे, ये लाल मिर्ची पाउडर जो लिया था ये भी ऐड कर देंगे, भुना हुआ जीरा, हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको जितना तीखा खाना हो उस हिसाब से आप हरी मिर्ची ऐड कर लीजिए, मिला लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने सब कुछ मिला लिया है इसमें। ये देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है ना, खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार इसे बनाकर ज़रूर खाइए और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी। आप पंजाबी ढाबे पे जब भी जाएंगे टमाटर प्याज की चटनी ऑर्डर करेंगे तो आपको यही वाली चटनी मिलेगी। तो प्लीज़ आप एक बार इस चटनी को बनाकर खाइए और हमसे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आप देख कर चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक किया करिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी नई रेसिपी डालूं तो सबसे पहले आप तक वो पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।